कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 का खिताब जीत लिया है। कोरबो लोड़बो जीतबो, कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2024 की चैंपियन बनकर उभरी है। आईपीएल 17 का चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स। भाई कोलकाता नाइट राइडर्स पूरे 10 साल बाद आईपीएल खिताब जीतने में कामयाब हुई है। और भाई क्रेडिट दीजिए वेंकटेश अय्यर को, क्रेडिट दीजिए आप रहमानुल्ला गुरबाज को, हर्षित राणा को, मिचेल स्टार्क को, कप्तान श्रेयस अय्यर को, गौतम गंभीर को और टीम के कोच चंद्रकांत पंडित को। और हाँ, शाहरुख खान को भी। शाहरुख खान को भी जुड़े रहिए, बताऊंगा शाहरुख खान को क्यों क्रेडिट देना है। सबसे पहले आपको पहले हाईलाइट दे देते हैं भाई। तो केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में आईपीएल का फाइनल मुकाबला, आईपीएल 2024 का खिताबी मुकाबला खेला गया ये चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में। और इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 113 रन बनाए सनराइजर्स हैदराबाद ने। और देखिए सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे में मायूसी छाई हुई है। देखिए कोलकाता नाइट राइडर्स और ये देखिए हमारे साथ कृष्णा भाई इन द हाउस। कृष्णा भाई भी जुड़ने वाले हैं। कृष्णा भाई खुश तो बहुत होंगे आप। नहीं खुश नहीं, मैं थोड़ा उदास हूँ काव्य मारन को लेके। काव्य मारन के आंसू ना मुझसे नहीं, किसी से भी नहीं देखे जाते, क्योंकि तो काव्य मारन एक हसमुख चेहरा हमेशा देखो। अब 1 साल हो गया वो दिखेंगी भी नहीं काव्य अभी मारन। दिखेंगे नहीं, भी अब काव्य मारन आती है आईपीएल में आती है, ठीक है। तो देखो ये तो बहुत गलत ही हुआ, क्योंकि पैट कमिंस जो मतलब क्राउड शांत करने वाले थे, जो मैं बात करने वाला था कि क्राउड शांत हो, आ भाई आ गया स्वाद, कर लिया स्वाद नहीं, शांत, स्वाद नहीं लेकिन शांत कर लिया शांत। देखो बदला तो लिया है कि श्रेयस अय्यर ने रोहित शर्मा का तो बदला लिया है, विराट कोहली का बदला लिया है, बुमराह का बदला लिया है। भाई बदला तो लिया है, क्योंकि वन साइडेड मैच वही वही मोमेंटम क्रिएट करता है कि वर्ल्ड कप में भी वन साइडेड मैच था, यहाँ अभी भी वन साइडेड मैच था। तो ये वाली बात तो मैं मतलब बोलूंगा दर्शकों को, नहीं, शायद दर्शकों को शायद ये आएगी, पसंद नहीं आएगी। वर्ल्ड कप में तो फिर भी 2 विकेट गिर गए थे और मैच ऐसा लग रहा था कि इंडिया जीत सकती है। वो मैच शमी ने 2 विकेट निकाल दिया था, लेकिन यहाँ पे देखो श्रेयस अय्यर ने मौका ही नहीं दिया। वहां पर टर्निंग बॉल टर्न नहीं हो रही थी, ठीक है, ड्यू आ गई थी, इसकी वजह से बॉल टर्न नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर देखो एक उन्होंने क्या करा कि अगर देखो सनराइज हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप अच्छी चल जाती तो वो 250 से प्लस, या तो वो 250 से, ऐसा वन साइडेड मैच था। अगर बैटिंग चल जाती तो भाई केकेआर को बहुत मुश्किल पड़ जाता, मुझे लगता है जीतना। तो काव्य मारन की जो लास्ट में जो हम इमोशंस जो फेस देख रहे हैं, जो रो रही जो थी रो रही थी, लेकिन तब भी टेलीविजन यार, हम खुश है भाई, हम खुश है। काव्या मारन रोए या ना रोए, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बना दिया है भाई, चैंपियन बन गई है कोलकाता नाइट राइडर्स। और श्रेयस अय्यर, देखिए मैं श्रेयस अय्यर के लिए बहुत खुश हूँ भाई, श्रेयस श्रेयस अय्यर। अय्यर ने कप्तानी पारी जो कप्तानी दिखाया अभी है कि भाई दमखम उनमें है और भी, शुरुआती मुकाबले में ठीक है। बहुत रोल लेकिन भी हो रहे एक थे। एक चीज ना, लास्ट में मैच में ना दिल जीत ले गई श्रेयस अय्यर की, जो वेंकटेश अय्यर का जो हाफ सेंचुरी होने वाली थी, चाहते तो हार्दिक पांड्या की तरह वो छक्का या चौका मार सकते थे, लेकिन श्रेयस अय्यर ने बाजी रख, विनिंग रन विनिंग भी रन भी उनको ही दिया वेंकटेश मारने अय्यर को। को दिया, बनाने के लिए दिया, और बाकी हाफ सेंचुरी भी कराई, क्योंकि सिंगल, क्योंकि देखो मैच तो वहां भी हार्दिक हाँ, पांड्या यहाँ को, बॉल बचा के क्या ही करते, यहाँ बॉल बचा के क्या ही करते। लेकिन क्या हाफ सेंचुरी एक मायने रखती है ना, कि भाई फाइनल फाइनल में होगी, में फाइनल की हाफ सेंचुरी। ये इतिहास मतलब है कि वो भी याद करेंगे कि मैंने फाइनल में केकेआर को हाफ सेंचुरी, हाफ 50 रन, आंकड़े देखिए भाई, आंकड़े 26 देखे हैं गेंदों कि में वेंकटेश 52 अय्यर रनों का की पारी, 26 गेंदों में 52 रनों की पारी, 200 की स्ट्राइक रेट, 4 चौवे, 3 छक्का। और ये देखिए गौतम गंभीर के चेहरे पे स्माइल, सुनील नारायण को गोद में उठा रहे। सुनील नारायण गौतम गंभीर की जोड़ी हम सब जानते हैं भाई, ये दोनों का इतिहास रहा है। आईपीएल 2012 हो, 2014 हो, भाई सुनील नारायण और शाहरुख खान पोज दे रहे मैदान पर। तो भाई देखिए जबरदस्त तरीके से जबरदस्त फाइनल रहा है, और जबरदस्त फाइनल में जबरदस्त तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स ने जबरदस्त जीत हासिल की है। इस मुकाबले में बहुत से हीरो रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, फिर चाहे वेंकटेश अय्यर हो, रहमानुल्ला गुरबाज हो, आंद्रे रसल गेंदबाजी में हीरो थे, हर्षित राणा हो, मिचेल स्टार्क हो, भाई जबरदस्त ये मुकाबला रहा। ये मुकाबला काफी सालों तक लोगों को याद रहेगा। लेकिन भाई इस मैच में जबरदस्त तरीके से, मतलब जैसे मैच की उम्मीद थी वैसा मैच हुआ नहीं। लेकिन पिछला जो लाइव सेशन था, जो हमने मैच से पहले लाइव सेशन किया था दोपहर में,
शाम में हमने जो लाइव सेशन किया था उसमें क्लियर बोला गया, बोला था मैंने कि ये मुकाबला वन साइडेड होगा, वन साइडेड गेम होगा, और वन साइडेड गेम में सनराइजर्स हैदराबाद को हार मिलेगी। हमारे साथ देखिए करीब 50 लोग जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो। सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस के साथ थोड़ी सी सहानुभूति है, लेकिन भाई हमारे भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को जिता दिया है, चैंपियन बना दिया है। श्रेयस अय्यर भाई पहले कप्तान थे जिन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल तक पहुंचाया था, और श्रेयस अय्यर पहले कप्तान बने हैं गौतम गंभीर के बाद जिसने कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बना दिया है। हालांकि जो अब तक तीनों खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीते हैं उसमें गंभीर का सबसे बड़ा हाथ है। पहले दो खिताब में वो कप्तान थे टीम के, और ये जो तीसरा खिताब है इसमें वो टीम के मेंटोर हैं। लेकिन गौतम गंभीर को अगर आप क्रेडिट दे रहे हैं तो आप चंद्रकांत पंडित को नहीं भूल सकते। चंद्रकांत पंडित का रोल भी बहुत बड़ा है। चंद्रकांत पंडित ने जबरदस्त तरीके से टीम को कोच किया और टीम को उन्होंने उस लायक बनाया जिस वजह से टीम जो है इस बार चैंपियन बनी है, 2024 की चैंपियन बनकर उभरी है कोलकाता नाइट राइडर्स। भाई कोलकाता नाइट राइडर्स के खेमे में खुशी है, खुशी की लहर है, और जबरदस्त तरीके से ये मुकाबला। हमारे साथ 100 लोग जुड़ चुके हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो। हाईलाइट आपको दे देते पहले फटाक से, क्या कहते हैं जल्दी से आपको हाईलाइट देते, शब्द जो है अंदर ही अंदर जो है कट जा रहे। पहले बल्लेबाजी करते हुए 113 रन बनाए सनराइजर्स हैदराबाद ने, 113 रन बनाए और 114 रन चेस करना था, और 114 रन चेस करना था। सुनील नारायण ने पहली गेंद पर छक्का लगाया, उसके बाद वो आउट हो गए, लेकिन उसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, 32 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली, 5 चौके, 2 सिक्स उन्होंने लगाया। वही वेंकटेश अय्यर की तारीफ करिए भाई, क्वालिफायर वन में 50 था, क्वालिफायर वन में 50, उसके बाद फाइनल मुकाबले में भी 50, 26 गेंदों में 52 रनों की पारी खेलकर वो नाबाद लौटे हैं। 200 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की, 4 चौके तो उन्होंने भी लगाए और 3 सिक्स उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान लगाया। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, और केकेआर के फैंस कहाँ हो भाई, कहाँ हो, वीडियो को लाइक करके कमेंट करिए यार। केकेआर की जीत से क्या खुश नहीं है आप लोग, केकेआर की जीत से क्या खुश नहीं है आप लोग बताइए। केकेआर की जीत में सबसे बड़ा हीरो कौन है आपके हिसाब से, कमेंट करके बताइए। मैं चाहूंगा एक पोल भी हम आप लोगों के लिए लगाते हैं अभी थोड़ी देर में, केकेआर की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है, और ये बहुत टफ पोल होने वाला है, बहुत टफ पोल होने वाला है। टीम के हेड कोच चंद्रकांत पंडित, टीम के मेंटोर गौतम गंभीर, या टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर। 3 ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, कमेंट में आप लोग बताइए, पोल भी हम आप लोगों के लिए लगाएंगे, कम्युनिटी पोस्ट डालेंगे आप लोगों के लिए, आप उसमें हिस्सा लीजिएगा। बहुत टफ चॉइस है, बहुत टफ चॉइस है। टीम का कप्तान जीत का सबसे बड़ा हीरो है, टीम का मेंटोर जीत का सबसे बड़ा हीरो है, या टीम का हेड कोच जीत का सबसे बड़ा हीरो है। आईपीएल 2024 की चैंपियन टीम बनकर उभरी है भाई कोलकाता नाइट राइडर्स। जब आईपीएल 2024 की शुरुआत हुई थी तब किसी को उम्मीद भी नहीं थी, किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी सिवाय कोलकाता नाइट राइडर्स के और गौतम गंभीर के, श्रेयस अय्यर के, टीम के खिलाड़ियों के, कि भाई एक बार फिर से हम चैंपियन बनेंगे। लेकिन सभी को पीछे छोड़ते हुए ये टीम चैंपियन बनी है, पिछले कुछ मुकाबलों से अनबीटन है। अब आईपीएल 2025 में डिफेंडिंग चैंपियंस होगी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वो कारनामा कर दिया है कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो कभी गौतम गंभीर की कप्तानी में 2 बार किया था। पोल चलाते हैं आप लोगों के लिए, कम्युनिटी पोस्ट डालेंगे आप लोगों के लिए, पोल में आप लोग जो है हिस्सा ले सकते हैं। पोल तो यही है कि भाई केकेआर की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है, कमेंट करके आप लोग बताइए केकेआर की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है, श्रेयस अय्यर या फिर चंद्रकांत पंडित या फिर गौतम गंभीर। 3 ऑप्शन है आप लोगों के लिए, आप लोग बताइए कौन है जीत का सबसे बड़ा हीरो, किसकी वजह से, किसकी वजह से टीम ने जो है खिताब जीता है। चंद्रकांत पंडित टीम के हेड कोच, उसके बाद आपके टीम के जो मेंटोर है गौतम गंभीर, क्या वो सबसे बड़े हीरो है,
या फिर कप्तान श्रेयस अय्यर, तीन ऑप्शन आपको देंगे हम और आप उसमें से चुनिए कौन है टीम का सबसे बड़ा हीरो, गौतम गंभीर मेंटोर, चंद्रकांत पंडित हेड कोच या फिर श्रेयस अय्यर टीम के कप्तान। जो भी आपकी राय हो आप हमें जरूर बताइएगा, पोल में तो आप हिस्सा लीजिए, आप लोगों के लिए कम्युनिटी पोस्ट भी डालेंगे, कम्युनिटी पोस्ट में भी आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिएगा। ये बहुत खुशी का माहौल है कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस के लिए, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी फेवरेट टीम बाहर हो चुकी थी, सबसे पहले बाहर होने वाली टीम जो थी वो मेरी ही फेवरेट टीम थी, मुंबई इंडियंस। लेकिन मुंबई इंडियंस के बाहर होने के बाद मैंने आरसीबी को सपोर्ट किया, फिर जब आरसीबी सब बाहर हो गई फिर मैंने सपोर्ट किया राजस्थान रॉयल्स को, तो मुझे ऐसा लगा करके कि भाई इस साल अपने से हो नहीं पाएगा, अपन नहीं कर पाएंगे, अपन नहीं जिता पाएंगे किसी टीम को। लेकिन फाइनल मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को सपोर्ट किया और कोलकाता नाइट राइडर्स ने निराश नहीं किया, कप्तान श्रेयस अय्यर ने निराश नहीं किया, टीम के बाकी खिलाड़ियों ने निराश नहीं किया, आंद्रे रसल ने निराश नहीं किया, मिचेल स्टार्क ने, भाई उम्मीदें तो मिचेल स्टार्क से सबसे ज्यादा थी मुझे, केकेआर को सबसे ज्यादा उम्मीदें मिचेल स्टार्क से ही थी, शुरुआत में दो झटके दिए, ट्रेविस हेड को बहुत जल्दी जो है निपटा दिया कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने, ट्रेविस हेड का विकेट अगर आप देखें तो भाई वैभव अरोड़ा ने बहुत जल्दी, गोल्डन डक, भाई गोल्डन डक का सामना करवाया, अभिषेक शर्मा को मिचेल स्टार्क ने बोल्ड किया, राहुल त्रिपाठी को जो है कैच आउट करवाया, उसके बाद तो भाई कहां ये टीम टिकने वाली थी, उसके बाद कहां कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद जो है टिक पाती। इस सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सबसे बड़ी खोज अंकृश रघुवंशी, भाई शुरुआती सीजन में, बाद में भले वो ड्रॉप हो गए प्लेइंग 11 से, लेकिन अंकृश रघुवंशी भाई उनका भी योगदान जो है वो बहुत है, उन्होंने भी शुरुआत में आईपीएल 2024 के स्टार्टिंग मुकाबलों में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, उन्होंने टीम के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया, एकाध मुकाबलों में तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, टॉप स्कोरर तक रहे, पचासा भी लगाया उन्होंने इस सीजन। भाई अंकृश रघुवंशी, रमनदीप सिंह, उसके बाद आपके वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसल, वेंकटेश अय्यर, भाई माफी वेंकटेश अय्यर का नाम इतना लेट क्यों ले रहा हूँ, तो भाई सुनील नारायण, फिलिप सॉल्ट, भाई सभी का कलेक्टिव योगदान है। और भाई देखिए चैंपियन तो वही टीम बनती है ना जो टीम के हर एक खिलाड़ी की तरफ से प्रदर्शन आए, हर एक खिलाड़ी अगर प्रदर्शन